स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम आपको दिखाते हैं वो दावे जो सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। समझने बैठो तो लगेगा कि अविश्वसनीय है और कल्पना से परे होने की वजह से अकल्पनीय भी नजर आते हैं, क्योंकि विज्ञान कभी ऐसे दावों को मानता नहीं और ये दावे हमेशा विज्ञान के लिए चुनौती बने रहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही दावों की हकीकत जो अकल्पनीय लगते हैं। क्या वाकई में किसी मंदिर के चक्कर लगाने, माथे पर भभूत लगाने और कुछ दिन बिताने से वो बीमारी भी सही हो सकती है जिसको विज्ञान और मेडिकल साइंस असंभव बताती है? कुछ ऐसे ही दावे आजकल टोंक के देवली में मां के शक्तिपीठ बिजासन माता के दरबार में सुनाई देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। जब जिंदगी से हारा तो मां का मिला सहारा, शक्तिपीठ बिजासन माता के दरबार में चमत्कार। दरबार में हो रही है भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। देवली के नजदीक है बिजासन माता का दरबार। टोंक जिले के देवली क्षेत्र की कुंचलवाड़ा गांव स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बिजासन माता के दरबार में लकवा रोगियों को नया जीवन मिल रहा है। सालों से असाध्य रोग से निराश हुए पीड़ित यहाँ ठीक हो रहे हैं। इसके चलते नवरात्र में लकवा रोगियों से मंदिर परिसर अटा पड़ा रहता है। नवरात्रा में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ हर महीने की अमावस्या पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं। ये शक्तिपीठ है शक्ति स्थल आस्था का केंद्र। भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर समेत कई जिलों से आते हैं श्रद्धालु। हर अमावस्या पर उमड़ जाता है यहाँ आस्था का सैलाब। इस मंदिर का इतिहास भी आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ के पुजारी के मुताबिक ये मंदिर 200 साल पुराना है। इसोदा नाम के व्यक्ति को माता ने सपने में दर्शन देकर जमीन से मूर्ति निकालने की बात कही थी। इस पर इसोदा ने उस स्थान पर पूजा अर्चना कर माता की चमत्कारिक मूर्ति को बाहर निकाला और उसे स्थापित किया। पुजारी ने बताया कि यहाँ सालों से लकवा रोग से पीड़ित जो हर तरफ से निराश हो चुके होते हैं उनका लकवा रोग ठीक हो जाता है। मैं दोनों का रहने वाला हूँ। मैं माँ माँ के नंबर पर आ गया था। माँ पास पड़ते थे। माँ माँ के आने से या रहने से मेरे सब बीमारी मिट गई। माता जी के कितने सालों से आ रहे हो? 2 साल। क्या हुआ था आपके? लकवा आया। पूरे शरीर में? आधा शरीर में। अच्छा, आधा शरीर में। तो यहाँ माता जी के आने के बाद कितने टाइम में आपके शरीर में फर्क पड़ा? 1 महीने और 8 दिन लगा। अच्छा अच्छा, अब ठीक है आपके? ठीक है। ऐसे हजारों लोग हैं जो यहाँ लकवे के साथ आने का दावा करते हैं और फिर कहते हैं कि वो ठीक होकर गए हैं। इसके अलावा यहाँ आंख, नाक और गले के रोगियों के भी रोग ठीक होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि यहाँ ऐसा किया क्या जाता है जिससे लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमने यहाँ इलाज की प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश की। हम आपको बताते हैं कि यहाँ इलाज कैसे किया जाता है। रोगियों को नवरात्र में मंदिर परिसर में नियमित प्रवास करना होता है। रोगी को सुबह, दोपहर और शाम की आरती में हिस्सा लेना होता है। आरती के दौरान रोगी मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। लकवाग्रस्त अंगों पर अभिमंत्रित तेल से मालिश की जाती है। लकवाग्रस्त अंगों पर माता जी का लच्छा भी बांधा जाता है। इस प्रक्रिया से ही रोगियों का लकवा ठीक होना शुरू हो जाता है। मंदिर में 7 साल से आने वाले दौलता गांव निवासी जगदीश ने बताया भी उसके लकवा होने की वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। वो माता के दरबार में बड़ी आशा के साथ आया। यकीनन माता ने उसे निराश भी नहीं किया। 1 माह तक वो माता के दरबार में ही रहा और ठीक हो गया। तभी से वो नियमित रूप से नवरात्रों में 9 दिन तक माता के दरबार में रहता है। ऐसे ही दावे यहाँ हजारों लोग करते हैं। हम इन दावों की पुष्टि तो नहीं करते, ना ही हम ये कहते हैं कि यहाँ लकवा का इलाज होता है। लेकिन जो दावे यहाँ के लोग करते हैं उनको झुठलाना भी मुमकिन नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तय कर पाना कि ये कैसे होता है ये कल्पना से परे है और इसलिए हम इसे अकल्पनीय कह रहे हैं।
देवली से चेतन वैष्णव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इन तस्वीरों को और यहां पर आए श्रद्धालुओं के दावों को झुठलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इलाज वाकई अकल्पनीय है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।